लंबे समय से सुष्मिता सेन किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। सुष्मिता चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। आखिरी बार सुष्मिता साल 2010 में फिल्म दूल्हा मिल गया में नजर आई थी। 7 साल से उन्होंने कोई भी बड़ी फिल्म नहीं की है। आने वाले 19 नवंबर को सुष्मिता सेन 42 साल की हो जाएंगी। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। इसमें सुष्मिता ने मुंह से टी शर्ट को दबा रखा है और सिक्स पैक अब्स दिखा रही हैं। इस फोटो को शेयर करने के साथ ही सुष्मिता सेन ने एक मैसेज भी लिखा है। उन्होंने लिखा, शेप में वापस आने के लिए मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। अपने 42वें बर्थडे पर वैसी बॉडी पाना चाहती हूँ जैसी मैं चाहती हूँ। मेरी बॉडी मेरे रूल्स। शायद सुष्मिता सेन अपने बर्थडे पर कुछ खास करने की तैयारी में है। सुष्मिता के फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। लेकिन फिलहाल सुष्मिता कोई भी फिल्म नहीं कर रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान, गौतम रोड़े और अभिनव शुक्ला की आने वाली फिल्म अक्सर पार्ट 2 का हाल ही में दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म का पहला ट्रेलर 28 अगस्त के दिन रिलीज किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। क्योंकि ये फिल्म 17 नवंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि लोगों के अंदर अक्सर पार्ट 2 को लेकर उत्साह बना रहे, जिसके चलते फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया है। साल 2006 में आई बॉलीवुड फिल्म अक्सर काफी सफल रही थी। उसके गाने तो सबकी जुबान पर थे। अब 11 सालों बाद अक्सर का सीक्वल अक्सर पार्ट 2 आ रहा है। अगर फिल्म के इस ट्रेलर की बात की जाए, तो जहां पहले ट्रेलर में लोगों को जरीन खान की अदाओं से आकर्षित करने की कोशिश की गई थी, वहीं इस बार मेकर्स ने फिल्म की कहानी की छोटी सी झलक देकर लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की है। अगर आप पूरा ट्रेलर देखेंगे तो पाएंगे कि इसे मुख्य किरदारों के आसपास ही रखा गया है और बताने की कोशिश की गई है कि फिल्म में जरीन खान की अदाओं के अलावा भी बहुत कुछ है जो थिएटर में आपको रोमांचित कर सकता है। ट्रेलर देखकर लगता है कि क्रिकेटर एस श्रीसंत इस फिल्म की यूएसपी साबित हो सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर को देखकर साफ पता लग रहा है कि फिल्म धोखा, जुनून और साजिश से भरपूर है। ये फिल्म 17 नवंबर को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड में जूली नाम से कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन खास तौर पर साल 1975 में आई जूली को उस समय काफी सराहा गया था और ये फिल्म काफी हिट भी साबित हुई थी। इस फिल्म में नई स्टार कास्ट होने के बावजूद लक्ष्मी और विक्रम ने शानदार अभिनय किया था। इसके बाद नेहा धूपिया की साल 2004 में इसी नाम से आई फिल्म जूली को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। पिछली फिल्म जूली में एक्ट्रेस नेहा धूपिया जितनी ब्यूटीफुल नजर आई थी, इस फिल्म में हीरोइन पर उतना ही ध्यान रखा गया है। फिल्म में राय लक्ष्मी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने करियर को सफल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने से भी पीछे नहीं हटती। वहीं उसके कई दीवाने हैं जो उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। आखिरकार फिल्म जूली पार्ट 2 को रिलीज होने के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब ये फिल्म 24 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री राय लक्ष्मी मुख्य भूमिका में हैं, जो अपनी अदाओं की वजह से सुर्खियों में हैं। अब जूली पार्ट 2 आखिरकार कानूनी बाधाओं से मुक्त होकर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म की रिलीज की डेट 3 बार टल चुकी है। फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी और उनके निर्देशक दीपक शिवदसानी पर फिल्म के खिलाफ निर्माता एनआर पचीसिया द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के तहत मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी हुआ। निहलानी और दीपक को फिल्म की रिलीज के लिए मुआवजे के तौर पर उन्हें पैसे भी देने पड़े। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।